और कैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह से उनके विजन होता है। कश्मीर से 370 धारा पलटा दिया, पता नहीं चला हिंदुस्तान को एक कहीं पर भी दुर्घटना नहीं हुई। इसको कहते सरकार चलाना। जो लोग कांग्रेस वोट देते हैं उनसे मैं अलग से बात करना चाहता हूँ। जिस दिन आपातकाल की यात्राओं की आप घटना को सुन लेंगे गौरी शंकर के जबान से, कभी जीवन में पंजे कोट नहीं देंगे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो हमारे सिख भाइयों के साथ जो किया गया उसको यदि आप सुन लेंगे तो कभी कांग्रेस का चेहरा नहीं देखेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने आपातकाल को जन्म देकर के इस देश में हमको गुलामी में ढकेला, उनको ओढ़ देना मतलब गुलामी को स्वीकार करना है। और आज मुझे कहने का अधिकार है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सम्मान के लिए बुलाया था, क्या विवाद हो गया? जैसे पूज्य समाज सिंधी समाज की तरफ से हमको सम्मान के लिए बुलाया गया था तो हमने उनके सम्मान का बहुत ही स्वागत किया कि 33 पार्टों के पार्षदों को बुलाया गया। हम आए यहाँ पर जैसे मतलब पूज्य समाज सिंधी की तरफ से जैसे भी सम्मान किया गया हम सम्मान कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद जब गौरीशंकर विजय जी हमारे जो विधायक है जब उनका भाषण का कार्यक्रम आया तो उन्होंने एक तरफा से कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने लगा गया, जबकि ये राजनीतिक मंच नहीं था, ये समाज का मंच था। यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा था लेकिन सम्मान नहीं किया जा रहा था। गौरीशंकर बिसेन द्वारा हम लोगों का अपमानित किया जा रहा था, कांग्रेस को वोट ना देने के लिए बोला जा रहा था और पुरानी बातें खलोती गई जा रही थी। तो हमको इस चोट पहुँची कि सिंधी पूज्य समाज के सभी सर्वमान्य गण वहाँ बैठे हुए हैं लेकिन समाज के किसी व्यक्ति ने उठ के उन्हें रोकने की विनती नहीं करी, क्योंकि जबकि बुलाने के पहले सभी पार्षद को और मुख्य अतिथि को बता दिया गया था कि राजनीति मंच नहीं है, यहाँ राजनीति की बातें नहीं करना है, फिर भी उनको नहीं रोका गया है। और हमको जो सम्मान देंगे हम वो सम्मान नहीं लेंगे क्योंकि हमारी चोट लगी है। ये भारतीय जनता पार्टी की कोई बकौती नहीं है कि कहीं पर भी किसी को भी टारगेट किया जाए। जब ये राजनीति नहीं मंच है तो यहाँ राजनीति नहीं होना चाहता। या अब हमको झूठे मारने के बाद हमको सम्मानित किए जाएंगे, हम ये सम्मान नहीं लेंगे। ये हमारे को चोट लगी है, ये हमारे भेजी हुई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जनता ने हमको जीता के लाई है आज हम उसको चोट पहुंची है, हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। देखिए जिस प्रकार से पूज्य सिंधी पंचायत के हमारे अध्यक्ष अमर मंगलानी जी द्वारा बड़े ही हृदय बड़े दिल कर उन्होंने 33 पार्षदों क्या कांग्रेस क्या बीजेपी क्या निर्दलीय उस सबको पार्टीगत को हटाकर इन्होंने सबको सम्मान करने यहाँ पर बुलाया। पर सम्मान के दौरान हमारे जो बालाघाट के विधायक हैं गौरीशंकर बिसेन जी द्वारा एक आपत्तिजनक यहाँ पर उन्होंने भाषण में बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए और ये वो सब बोलने के बावजूद मेरा कहने का मतलब जब सामाजिक तौर पर आपको भी सम्मान के लिए बुलाया गया है सम्मान लीजिए, किसी का अपमान करने के लिए यह मंच सही नहीं है। क्योंकि देखिए अभी हम लोग चुनाव से निकले हैं, चुनाव में हमने आपको बहुत सी चीज़ें बोली, फिर सामने 2023 की आप तैयारी की थी, निश्चित तौर पर भावुक हम अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन किसी पार्टी के लिए किसी मंच पर और वो भी ऐसा सामाजिक मंच पर 33 के 33 पार्षदों को बुलाया गया दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वहाँ पर ये बोलना कि भारतीय जनता पार्टी को ठीक है भारतीय जनता पार्टी को आप वोट मांग लीजिए लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट मांग दीजिए उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे जितने भी यहाँ पर पार्षद आए हैं सम्मान के तौर पर अभी तत्काल इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो हमारे अध्यक्ष सिंधी समाज के उनके सामने हम लोग आपत्ति दर्ज करवाएंगे और हम अपने जो पार्टी के नेता हैं उनसे भी इस विषय पर बात करेंगे और आने वाले समय में इसकी किस प्रकार से आपत्ति दर्ज करानी है हम लोग वो भी विषय पर बात करेंगे। हमारे पार्षद अभी आप सम्मान लेंगे या आपके सम्मान ही लेंगे सम्मान थोड़ी ना दिया जाता है समाज के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है विधायक के द्वारा तो समाज को सम्मान लेंगे या नहीं। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि उस समाज के मंच पर इस समाज के मंच पर वो हुई ना तो यहाँ पर सम्मान कैसे लेंगे उनके सामने। ये हमारे अध्यक्ष का दावे थे, ये अध्यक्ष का दायित्व था कि वहाँ पर उनको तुरंत रोकना था। अगर भाऊ अपनी जगह पर इसलिए से ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो अपनी आप मेरा कहना मतलब आप अपनी बात रखें, आप अपने जितना कार्य के वो बात रखें क्योंकि यहाँ पर ये मंच नहीं था, यहाँ भाषण देने के लिए आपको नहीं बुलाया गया था, ये सम्मान देने के लिए सम्मान लेने के लिए बुलाया गया था। तो फिर आप बीजेपी के लिए तो वोट मांगी चलो कोई दिक्कत नहीं लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए आप अंदर कल बातें बोलेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इस बात को आप विरोध की बात कर रहे हैं। आपके कुछ पार्षद अभी भी अंदर बैठे हुए हैं, देखो यहाँ बैठा अब इतने हचमच है वहाँ पर बैठे हुए आ रहे हैं सब चीजों को लेकर सब एक साथ दिख नहीं रहे ना लेकिन सब एक साथ यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं मतलब अपने माँ को कोई गाली देगा तो कौन बैठे पार्टी माँ के रूप में होती है हम सब लोग माँ की बात करते हैं। जब पार्टी को माँ बांधते हैं उसका अपमान होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ खड़े रहने की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये क्योंकि हमको समाज ने बुलाई है हम समाज के तौर पर अभी आपत्ति दर्ज कराएंगे यहाँ पर उसके बाद यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो सवाल की तो मैं वीडियो बाइट जब मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला और मैंने देखा कि किस तरीके से यहाँ के क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन ने ऐसे कार्यक्रम में जहाँ राजनीति की बात करनी ही नहीं चाहिए वहाँ जाकर उन्होंने जो राजनीतिक भाषण शुरू कर दिया, कांग्रेस पर तरह तरह के आरोप लगाए
और जिस तरीके से जनता को ये कहा कि मैं संदेश देने का भी काम उन्होंने किया गलत तरीके से कि भाई कांग्रेस को वोट देना मतलब गुलामी की ओर जाना है, तो उन्हें तो सबसे पहले देश का इतिहास पढ़ लेना चाहिए, संभव तो पढ़े होंगे, भूल गए हों तो फिर याद करना चाहिए। इस देश को गुलामी से आज़ादी दिलाने वाली कांग्रेस ही थी, महान क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी और देश आज़ाद हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि भाजपा के या किसी नेता ने देश की आज़ादी में क्या योगदान दिया इसके बारे में कोई उल्लेख कहीं है नहीं, हो सकता है इस कारण से उन लोगों को उस बारे में जानकारी ना हो। दूसरा ये रही बात आपातकाल की, उन्होंने की आपातकाल को देखो तो राहुल गांधी जी ने भी बड़ा अपना स्टेटमेंट ये दिया था कि उस समय क्या हुआ उस बारे में तो कोई नहीं जानता, पर अगर वो गलत था तो गलत था, तो हमारे राहुल गांधी जी इस बात को मान चुके हैं, तो इसके लिए बड़ा दिल चाहिए और उसी बात को बार बार वो जनता के बीच में लाते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है, जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल, आईटी का इस्तेमाल, जिस तरीके से विभिन्न सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल जो है सच बोलने वालों के खिलाफ, आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ किया जा रहा है, ये क्या है अपने आप में? ये भी तो अघोषित आपातकाल है, आपातकाल है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? फिर उन्होंने कहा कि हमारे सिख के समुदाय के साथ उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो भविष्य भूतकाल में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई कि अगर हम जिनके बारे में सोचते और विचार करते रहेंगे तो भविष्य में हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें आने वाली पीढ़ी को हम भविष्य में क्या करने वाले हैं इसके बारे में बात करके बताना चाहिए, ना कि भूतकाल में क्या गलत हुआ, अतीत में क्या गलत हुआ इस पर बात करना।